तो प्रॉब्लम में बोल रखा है एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन आर पॉजिटिव रियल नंबर्स इज दैट इनका जो समेशन है वो ऐसा जो कि कांस्टेंट है, सो अपन को प्रूव करना है 1 plus x1 मल्टीप्लाई बाय 1 plus x2 अप टू 1 plus xn, ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा 1 plus s डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस s की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर अपन देखें तो ncr क्या होता है, n टाइम्स n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू यहाँ पर n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल होता है। यहाँ पर तुम देखोगे सो यहाँ पर r टर्म्स है अपनी, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये लेस देन इक्वल टू होगा एन रेस टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, क्योंकि ये सारी टर्म्स एन से तो लेस होगी और आर इज इक्वल टू 1 के केस में यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो मैं बोल सकता हूँ एन सी आर डिवाइडेड बाय एन रेस टू पावर आर इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय आर फैक्टोरियल है। सो इसको इक्वेशन 1 बोल देता है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाली चीज लेते हैं और ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाता है, तो 1 प्लस एक्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स 2 अब टू यहाँ पर है अपने पास 1 प्लस एक्स एन। सो ये अपन को पता है किससे लेस देन इक्वल टू होगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स 1 प्लस 1 प्लस एक्स 2 अप टू 1 प्लस एक्स एन जाएगा, और यहाँ पर अगर अपन देखे तो एन टर्म्स है और इसकी पावर एन हो जाएगी। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाओगे तो बेसिकली उधर यहाँ पर अगर सिंपल लगा दो तो यहाँ पावर 1 बाय एन आती, तो फिर मैंने दोनों तरफ पावर एन ले ली। सो अब देखे सो ये सम अपन को यहाँ पर एस के इक्वल दे रखा है, एक्स वन प्लस एक्स टू टू एक्स एन का ये एस के इक्वल दे रखा है। सो यहाँ पे पिक यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा ये एन प्लस एस डिवाइडेड बाय एस रेस टू पावर एन, जो कि मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस एस बाय एन रेस टू पावर एन, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन यहाँ पे बाइनोमियल लगा सकते हैं, सो ये हो जाएगा 1 प्लस एन सी 1 एस बाय एन प्लस एन सी टू एस बाय एन का होल स्क्वायर अप टू एन सी एन एस बाय एन की होल पावर एन। और अभी मैंने तुम्हें बताया था कि एन सी आर डिवाइडेड बाय एन रेज टू पावर आर इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय आर फैक्टोरियल होता है। सो ये यहाँ पर आर इज इक्वल टू 1 का केस है, सो ये दिस सो ये लेस देन इक्वल टू हो गया। यहाँ पर ये एन इज ये आर इज इक्वल टू 2 का केस, आर इज इक्वल टू 2 के केस में दिस डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। सो यहाँ पे एस स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, अप टू एस की पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, ये एन आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से जो अपन को प्रूफ करना था वो अपन कर देंगे। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।